ओम शांति। 1 अक्टूबर 2018 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे बाप की आश है, बच्चे पूरा पूरा नष्टो मोहा बने। जब पक्का वायदा करें बाबा आप हमारे हम आपके, तब सच्ची प्रीत जुटे। प्रश्न। रुद्र शिव बाबा द्वारा रचे हुए यज्ञ और मनुष्यों द्वारा रचे जा रहे यज्ञों में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर। मनुष्य जो भी यज्ञ रचते उसमें जौ तिल आदि स्वाहा करते, वह मटेरियल यज्ञ है। बाप ने जो यज्ञ रचा है यह अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। दूसरा, वह यज्ञ थोड़े समय तक चलते, यह यज्ञ जब तक विनाश ना हो तब तक चलता रहेगा। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था तक पहुंचेंगे तब यज्ञ की समाप्ति होगी। गीत। निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। अभी यह बच्चे जानते हैं कि इनको पाठशाला भी कहेंगे और ज्ञान यज्ञ भी कहेंगे। पाठशाला के हिसाब से एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए। अभी यह यज्ञ का यज्ञ भी है और पाठशाला भी है। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, वे लोग इनकी कॉपी करते हैं, मटेरियल यज्ञ रचते हैं, उनमें जौ तिल आदि की आहुति डालते हैं और दूसरा फिर बहुत बड़ा यज्ञ भी रचते हैं, जहाँ चारों तरफ शास्त्रों को रखते हैं, बहुत बड़ी जमीन ले लेते हैं, फिर एक तरफ चावल घी आटा आदि सब रखते हैं और दूसरे तरफ शास्त्र भी सब रखते हैं। जो शास्त्र मांगो वह सुनाएंगे, फिर वहाँ यज्ञ में स्वाहा भी करते रहते। बाप कहते हैं यह रुद्र तो मेरा नाम है। कहते भी हैं रुद्र भगवान ने ज्ञान यज्ञ रचा था, इसका नाम पड़ गया रुद्र ज्ञान यज्ञ। जैसे नेहरू के बाद नाम रखते हैं नेहरू मार्ग, नेहरू पार्क आदि। अब रुद्र तो है भगवान शिव, उसने ही रुद्र ज्ञान रचा है। इस यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ती है। यह कोई की बुद्धि में थोड़े ही होगा। कितनी बड़ी सृष्टि है, कितना दूर दूर शहर हैं, सब इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आहुति पड़ जाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना है, फिर नई दुनिया बनेगी। विनाश होने में नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती हैं। तो यह है रुद्र राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अविनाशी माना जब तक विनाश हो तब तक चलता रहे। ऐसा यज्ञ किसका चलता नहीं है। बहुत में बहुत एक मास चलाएंगे, गीता भी एक मास सुनाते हैं। अब बाप समझाते हैं मैंने यह ज्ञान यज्ञ रचा है, यह है राजस्व अश्वमेध यानी तुम्हारा जो रथ है उनको स्वाहा करना है, बलि चढ़ाना है। उन्होंने नाम दूसरा रख दिया है,
दक्ष प्रजापति का यज्ञ दिखाते हैं, उसमें घोड़े को जलाते हैं। बड़ी कहानी है। बाप समझाते हैं, यह है मेरा अविनाशी ज्ञान यज्ञ, अविनाशी द्वारा अविनाशी यज्ञ। ऐसे नहीं कि सदैव चलता रहेगा, जब सारी दुनिया के स्वाहा होने का समय आए तब तक यह यज्ञ चलना है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। भक्ति के तो ढेर शास्त्र हैं, ज्ञान का सागर बाप है तो जरूर उनके पास नया ज्ञान होगा। बाप अपना पूरा परिचय देते हैं और फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह भी समझाते हैं, जिससे आत्मा त्रिकालदर्शी बनती है। त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान और कोई दे न सके। एक तो ज्ञान को धारण करना है, दूसरा तुम बच्चों को योग बल से विकर्मा जीत बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है वह जलने में टाइम लगता है। कितने वर्ष हुए हैं तो भी कर्मातीत नहीं हुए हैं। कर्मातीत अवस्था जब आती है तब यज्ञ भी समाप्त होता है। यह बहुत बड़ा भारी यज्ञ है। आसार भी देखते हो, तैयारियां हो रही हैं। आगे चलकर तुम देखेंगे नेचुरल कैलेमिटीज की भी तैयारी हो रही है। कभी जोर से फ्लड्स होंगे, कभी अर्थक्वेक, कभी फैमिन, अकाल होगा। वो लोग तो गपोड़े मारते हैं कि 4 वर्ष का प्लान बनाया है, फिर अनाज बहुत हो जाएगा। अरे खाने वाले मनुष्य भी तो बहुत जास्ती हैं। सिर्फ मनुष्य थोड़े ही, टिड्डियां मक्कड़ आदि भी तो खा जाते हैं। फ्लड्स आते हैं, बहुत नुकसान कर देते हैं। यह बिचारों को पता नहीं पड़ता। तुम जानते हो फैमिन आदि पड़ना जरूर है, आसार दिखाई पड़ते हैं। थोड़ी लड़ाई लग जाए तो अनाज आना ही बंद हो जाए। आगे लड़ाई में कितने स्टीमर्स डूबे थे, 1-2 का बहुत नुकसान किया था। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी यह यज्ञ रचा था और तुम राजयोग सीखे थे। यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मणों द्वारा। गीता में तो लड़ाई आदि की बातें लिख दी हैं, संजय आदि भी हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यह भी अविनाशी है। फिर से भक्ति मार्ग में वही सामग्री निकलेगी। रामायण आदि जो भी शास्त्र निकले हैं फिर निकलेंगे। जिन्हों की राजधानी चली है, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, यह सब होकर गए, फिर आएंगे, फिर भी पार्टीशन होगा। इन बातों को तुम जान सकते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई तो कुछ भी नहीं जानते, तो बाप समझाते हैं कितने यज्ञ रचते हैं। उन्हों को समझाना है वास्तव में है अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, जो रुद्र शिव भगवान ने ही रचा था, कृष्ण ने नहीं रचा। कृष्ण का वही चित्र तो सतयुग में मिलेगा, फिर कभी मिल न सके, क्योंकि वह नाम रूप देश काल तो सब बदलता जाता है। ऐसे तो हो नहीं सकता कि कृष्ण आकर अपने को पतित पावन कहलाए। पतित पावन एक ही परमात्मा है।
ऐसे नहीं कि तुम कहेंगे पहले से ही क्यों नहीं रूप दिखाया। नहीं, ऐसे थोड़े ही कि सब पहले से ही बता देंगे। तुम कहेंगे पहले से यह ज्ञान क्यों नहीं देते थे, एक ही रोज में क्यों नहीं ज्ञान देते। परंतु नहीं, यह तो ज्ञान सागर है, सो जरूर आहिस्ते आहिस्ते सुनाते रहेंगे। ऐसे थोड़े ही कि सब एक ही टाइम पढ़ लेंगे, नंबर वार पढ़ेंगे और पढ़ाई में टाइम लगता है। इसका नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब यह तो कहां भी लिखा हुआ नहीं है। शास्त्रों में निमित्त मात्र सिर्फ अक्षर हैं, भारत का प्राचीन सहज राजयोग। अच्छा, प्राचीन कब? शुरुआत में। तो जरूर इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ से ही स्वर्ग बनाया होगा। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ कल्प कल्प संगम युगे। उन्होंने भूल कर दी है, टाइम भी बदल दिया है, फिर सतयुग की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, गपोड़े लगा दिए हैं। यह तो हैं चार भाग, स्वास्तिका में भी चार हिस्से कर देते हैं, ज्ञान और भक्ति। आधा कल्प ज्ञान दिन, आधा कल्प भक्ति रात। ज्ञान की प्रालब्ध मक्खन मिलता है, भक्ति की प्रालब्ध छाछ मिलती है। गिरते गिरते एकदम खत्म हो जाते हैं। नई दुनिया को फिर पुरानी जरूर बनना है, कलाएं कम होती जाती हैं, इसलिए अब इनको भ्रष्टाचारी विशियस कहा जाता है। आसुरी दुनिया है ना, तुम जानते हो इन भक्ति आदि करने से कभी भगवान नहीं मिल सकता। भक्ति तो करते ही आए हैं, बंद होती नहीं। अगर भगवान मिल जाए तो भक्ति बंद हो जाए ना। आधा कल्प भक्ति को चलना है। यह सब बातें मनुष्यों को समझानी पड़ती हैं। दुनिया नई कैसे बनती है, इसका चित्रों से साक्षात्कार कराना है। पुरानी दुनिया खत्म हो फिर नई स्थापन होती है। अब एग्जीबिशन प्रदर्शनी आदि की किसी बड़े से ओपनिंग करानी होती है, मदद तो लेनी पड़ती है ना। उनको फिर थैंक्स दी जाती है, बधाई देने लिए तार दी जाती है। कितने बड़े बड़े टाइटल अपने ऊपर रखवा दिए हैं। श्री श्री का टाइटल भी रखा लिया है। श्री श्री बाप समझाते हैं, श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अब भ्रष्टाचारी है। फिर बाप श्रेष्ठाचारी बनाने आए हैं। वह फिर पहले से ही अपने ऊपर श्री नाम रख देते हैं। वास्तव में श्री लक्ष्मी श्री नारायण सतयुग में ही कहा जाता है। राजाओं को श्री का टाइटल कभी नहीं देते थे, उनको फिर हिज हाइनेस कहते हैं, सबसे बड़े हिज होलीनेस लक्ष्मी नारायण की राजाएं भी पूजा करते हैं, क्योंकि वह पवित्र हैं, खुद पतित हैं। पावन राजाओं को हिज होलीनेस कहा जाता है। अभी तो हिज हाइनेस के बदले बहुत टाइटल सबको दे देते हैं, श्री श्री कहते रहते हैं। अभी बेहद का बाप तुमको श्री बना रहे हैं। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, चित्रों पर ही समझा सकते हैं। हम
भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करते हैं, आप ओपनिंग करो। उन्हें समझाना चाहिए कि सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है ना। समझाने वाला बड़ा एक्टिव होना चाहिए, फुर्त होना चाहिए। मिलिट्री वाले कितने टिप टॉप रहते हैं। तुम बच्चों का नाम कितना बड़ा है, शिव शक्ति सेना। यह ज्ञान मिलता ही है अबलाओं अहिल्याओं को। यहाँ की बातें ही वंडरफुल हैं। ऊंचते ऊंच भगवान और पढ़ाते देखो किन्हों को हैं, अहिल्याओं कुब्जाओं को। भगवानुवाच उन्हों को राजयोग सिखलाता हूँ। ड्रामा में ऐसी नूंद है, परंतु अपने को सब पाप आत्माएं समझते थोड़े ही हैं। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो एक सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। आते तो बहुत हैं, आश्चर्यवत सुनंती कथंती बाबा का बनंती, फिर भी गिरंती और भागंती हो जाते हैं। यह शुरू से लेकर होता रहता है। सुबह को कहेंगे हमको पक्का निश्चय है, शाम को कहेंगे मुझे संशय है, मैं जाता हूँ, मैं चल नहीं सकता, मंजिल ऊंची है, मैं छुट्टी लेता हूँ। ड्रामा की भावी बाप को फारकती दे देते हैं। माया इतनी प्रबल है जो चलते चलते थप्पड़ लगा देती है। बच्चे कहते हैं बाबा माया को कहो थोड़ी नर्म हो जाए। बाबा कहते मैं तो माया को कहता हूँ खूब गर्म हो। बाप कहते हैं खबरदार रहना, ऐसे नहीं कि माया थप्पड़ मार दे और तुम फंस पड़ो। तुम मांगते ही हो जनक मिसल ग्रस्त व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति पाएं। बाप कहते हैं एक जन्म पवित्र बनो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्यों की जहर से विकारों से कितनी दिल है, चलते चलते गिर पड़ते हैं। हम शादी करना नहीं चाहते तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। समझा सकते हैं कि हम पतित बने ही क्यों, जो पुजारी बन सबके आगे सिर झुकाना पड़े। मैं कुमारी हूँ तो सब मेरे आगे सिर झुकाते हैं, तो हम क्यों ना पूज्य रहे। बेहद का बाप कहते हैं कि पवित्र पूज्य बनो। एक ही राजयोग का इम्तिहान है। कितने चढ़ते और गिरते हैं, हरेक अपना अपना पार्ट बजाता है। रिजल्ट फिर भी वही रहेगी जो कल्प पहले हुई होगी। यह ड्रामा है, हम एक्टर्स हैं। पूरा नष्टो मोहा बने तब बाप से पूरी प्रीत जुटे। बाबा बस हम तो आपको ही याद करेंगे, आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करनी पड़े तब ही स्त्री पुरुष दोनों पवित्र बन स्वर्ग धाम जा सकें। दोनों ही ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, ऐसे बहुत जोड़े बनेंगे। फिर जल्दी जल्दी झाड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में
अपने इस रथ सहित सब कुछ स्वाहा करना है। सर्विस के लिए बहुत बहुत चुस्त और फुर्त बनना है। दूसरा, माया कितनी भी गर्म हो, सावधान रह, उसके थप्पड़ से स्वयं को बचाना है, घबराना नहीं है। वरदान, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने गाने और उड़ने वाले प्रसन्न चित्त भाव। कहा जाता है दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, तो आपकी रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई। अभी आपके लिए बाप ही संसार है। पहले के संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, अभी बाप ही संसार हो गया तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया। बेहद की प्राप्तियां कराने वाला बाप मिल गया तो और क्या चाहिए। इसलिए हंसते गाते उड़ते सदा प्रसन्न चित्त रहो। स्लोगन, दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी। सर्व प्राप्तियां स्वतः आपके सामने आएंगी। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.